Hello everyone, dear students and respected teachers. Welcome to the English class with Garima Batra. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं formal letter. तो बच्चों हम ये जानते हैं कि letter दो तरह के होते हैं, informal और formal. Informal letter वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को और अपने पारिवारिक मित्रों को लिखते हो. जबकि इनके अलावा बाकी सभी पत्र फॉर्मल लेटर कहलाते हैं, चाहे वो आप अपने प्रिंसिपल को लिखें या आप कलेक्टर को लिखें, इंस्पेक्टर को लिखें, पोस्ट मास्टर को लिखें, सेक्रेटरी टू द सेकेंडरी बोर्ड को लिखें, ये सभी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं. तो आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मल लेटर पढ़ने जा रहे हैं और ये वो लेटर है जो कि 2009 से 2020 तक यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 6 बार आया हुआ है. इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. साथ ही साथ ये आपकी लेटर राइटिंग स्किल को भी शार्प करता है, आप लेटर लिखना सीखते हैं. तो इस लेटर को हम शुरू करते हैं. यू आर ओम बत्रा, तुम ओम बत्रा हो, रिसाइडिंग एट 17 एकता कॉलोनी छिंदवाड़ा, और आप 17 एकता कॉलोनी छिंदवाड़ा में रहते हो. राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को या जिलाध्यक्ष को पत्र लिखो अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया. और उन्हें आप ये पत्र लिखो कि आपके क्षेत्र का जो सरकारी अस्पताल है वहां पर सुविधाओं की कमी, लैक यानी कमी, फैसिलिटीज यानी सुविधाएं, तो सुविधाओं की कमी एंड मेल फंक्शनिंग, और वहां की गड़बड़ क्रियाविधि के लिए शिकायत करने के लिए आपको कलेक्टर को ये पत्र लिखना है. तो आइए हम ये पत्र शुरू करते हैं. तो अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं. तो जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर हमें राइटर का या सेंडर का एड्रेस लिखना है. तो सेंडर कौन है जो पत्र लिख रहा है. हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप ओम बत्रा हैं, 17 एकता कॉलोनी छिंदवाड़ा में आप रहते हैं. तो हम यहाँ सबसे ऊपर वो एड्रेस लिखेंगे जो हमें लेटर में या क्वेश्चन में दिया गया है. तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए 17 एकता कॉलोनी और उसके नीचे छिंदवाड़ा. हमें ये याद रखना है कि एकता का ई कैपिटल, कॉलोनी का सी कैपिटल और छिंदवाड़ा का सी कैपिटल. उसके बाद उसकी अगली लाइन में ठीक उसके नीचे हमें डेट लिखनी है. तो हमें डेट इसी तरीके से लिखनी है, ये सबसे सही तरीका है. हमने सबसे पहले डेट लिखी है 2, उसके बाद मंथ का नाम लिखा है मार्च, मार्च का एम कैपिटल लिखा है और ये कॉमा लगाकर 2021 लिखा है. उसके नीचे हमें उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन या पद नाम लिखना है जिसे कि हम पत्र लिख रहे हैं. तो आपके क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखना है, तो आप यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिखेंगे. तो इसमें सबसे पहले टी कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट का डी कैपिटल, कलेक्टर का सी कैपिटल, और उसके नीचे क्योंकि आप अपने ही जिले के कलेक्टर को लिख रहे हैं इसलिए यहाँ भी छिंदवाड़ा. इसके नीचे आएगा सब्जेक्ट या विषय, माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल में जो गलत काम हो रहे हैं, जो गड़बड़ चल रही है उसके लिए पत्र. उसके नीचे से हम लिखेंगे, सर मोस्ट हम्बली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा. मोस्ट यानी अत्यंत, हम्बली अर्थात आदरपूर्वक, आई वुड लाइक टू ड्रॉ यानी मैं खींचना चाहूंगा या मैं आकर्षित करना चाहूंगा योर काइंड अटेंशन अर्थात आपका ध्यान, टूवर्ड्स यानी की तरफ, लैक यानी कमी, ऑफ यानी की फैसिलिटीज यानी सुविधाओं की, एंड और माल फंक्शनिंग यानी गलत काम चल रहे हैं जो, या गड़बड़ क्रियाविधि, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा, सरकारी अस्पताल छिंदवाड़ा में. तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ, अत्यंत आदर पूर्वक मैं आपका ध्यान
सरकारी अस्पताल छिंदवाड़ा में जो गड़बड़ क्रियाविधि है और सुविधाओं की कमी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके आगे नेक्स्ट जैसे हम लिखेंगे, देयर आर ओनली टू डॉक्टर्स एंड थ्री नर्सेस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सिर्फ दो डॉक्टर्स और तीन नर्सें हैं। अब इतना बड़ा अस्पताल है तो ज्यादा संख्या होनी चाहिए डॉक्टर्स की, पर वो नहीं है, तो ये गलत है। नर्सेस डू नॉट अटेंड द पेशेंट्स, नर्सें मरीजों का ध्यान नहीं रख रही हैं। बेड्स एंड रूम्स आर नॉट क्लीन्ड डेली, बिस्तर और कमरे हर रोज साफ नहीं हो रहे हैं। एक्सरे मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर नाउ, आउट ऑफ ऑर्डर का अर्थ होता है खराब होना, तो एक्सरे मशीन भी खराब पड़ी हुई है। मेडिसिंस आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। हमें पता है बच्चों कि सरकारी अस्पताल में सरकार की तरफ से मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं गरीबों की मदद के लिए, लेकिन इस हॉस्पिटल में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है, तो क्या होता है, मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। Hence, अतः I kindly request you to take necessary step so that people may get medical facilities. मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप necessary step अर्थात आवश्यक कदम उठाएं so that ताकि लोग जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। Thanking you in anticipation, इस उम्मीद में कि आप सब कुछ ठीक करेंगे, आपको धन्यवाद देते हुए, योर सिंसियरली ओम बत्रा। और यहाँ पर हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं जो कि इस पत्र में यूज हुए हैं। तो सबसे पहला है मेल फंक्शनिंग अर्थात गड़बड़ क्रियाविधि, मोस्ट यानी अत्यंत, हम्बली अर्थात आदर पूर्वक, ड्रॉ यानी आकर्षित करना या खींचना, लैक अर्थात कमी, फैसिलिटीज अर्थात सुविधाएं, टूवर्ड्स की तरफ, पेशेंट्स मरीज, आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब होना, हेंस अतः, नेसेसरी आवश्यक, एंटिसिपेशन उम्मीद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चिल्ड्रन, और आप इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखकर और इस पत्र को दोहरा सकते हैं, सिर्फ 8 से 9 मिनट आपको लगेंगे। और इसी तरीके के और भी वीडियोस बनेंगे तो वो आप तक पहुंच सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। और आपको इसमें क्या कमी लग रही है यार, और आप किस चीज पर वीडियो चाहते हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।